राजनीति में विकल्प के दरवाजे बंद नहीं किए जाते बल्कि खोल कर रखे जाते हैं, और ऐसा करके गठबंधन के साथी पर दबाव बनाया जाता है। ये दौ नीतीश कुमार भी खेलते हैं और कांग्रेस भी नीतीश कुमार के लिए। आपको याद होगा, राज्य में धान के सर्वाधिक उत्पादन पर केंद्र ने राज्य सरकार को कृषि कर्मण पुरस्कार से नवाजा। इसी तरह के पुरस्कारों से सूबे के अलग अलग विभागों को केंद्र पुरस्कृत करता रहा। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग पर कभी पी चिदम्बरम तो कभी जयराम रमेश अपनी संवेदना दिखाते हैं। सवाल ये है कि क्या कांग्रेस का सॉफ्ट कॉर्नर नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के लिए है? कांग्रेस भीतर भीतर जो करे, पर कांग्रेस के बिहारी नेता ऐसा नहीं मानते। नीतीश कुमार जो भी डिमांड करते हैं तो उसकी उसको पूरा करने का काम केंद्र सरकार हमेशा कर रही है। अब सवाल है, जहां तक आप कर रहे हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा प्रशंसा, नीतीश कुमार को नाराज नहीं करना चाहते हैं वो, और ये सरकार जो चल रही है नीतीश कुमार की, वे बिल्कुल अफसर के बल पर चल रही है, राजनेता शासन नहीं चल रहा। नीतीश कुमार ये कई बार कह चुके हैं कि जो भी सरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देगी वे उसके साथ जाने को तैयार है। नीतीश कुमार का ये इशारा कांग्रेस की तरफ रहा है। जेडीयू मंत्री भीम सिंह कांग्रेस के साथ किसी तार के जुड़े होने की बात से इनकार करते हैं। अंदर से नहीं जुड़ा हुआ है और अंदर से तार जोड़ने की जरूरत भी नहीं है। राज्य सरकार बेहतर कार्य कर रही है, विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा कार्य कर रही है, आप स्वयं इसे महसूस करते हैं, तो इसके लिए पारितोषिक दी जाती है, पुरस्कार दिया जाता है। इसमें बहुत अटकलबाजी की गुंजाइश नहीं है। अगर ऐसा कोई अटकलबाजी लगा रहा है या बयान दे रहा है तो दिल जले। कांग्रेस बिहार में अपने पांव पसारना चाहती है। वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे रही पर मुंह मांगी राशि जरूर भेज रही है। चर्चा ये भी है कि बीजेपी ने भावी प्रधानमंत्री के लिए नरेंद्र मोदी के नाम पर जहां मुहर लगाई कि नीतीश का विकल्प इस्तेमाल करेंगे, कांग्रेस को भी बीजेपी की अगली चाल का जैसे इंतजार है। कैमरा पर्सन सिद्धू मनीष के साथ पुणे प्रियमवत, आर्य न्यूज पटना।